अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल एंड वेलकम टू लाहौर इज़ एकवन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अल्लाह ताला आपको लंबे उम्र दे और ज़िंदगी में आसानियां पैदा करे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी की तरफ, जो कि है कंप्यूटर पराठा की। ऐसा पराठा जिसके हर नवाले से आपको आएगा अलग टेस्ट, यानी मल्टी टेस्ट पराठा है। बनाना इंतहा आसान है, जो कि है मुल्तान का फेमस कंप्यूटर पराठा। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, कंप्यूटर पराठा बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें है नंबर वन पे शक्कर, उसके बाद है फिश, ये फ्राई की हुई है, छोटा सा पीस है इसका। उसके बाद है आलूओं की स्टफिंग, यानी जो हम पराठे के लिए आलू लेते हैं ये वो वाले आलू हैं। दाल माश मैंने यहाँ पर ली है, इसके अलावा आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है भुना हुआ कीमा। सबसे पहले हम गूंदेंगे आटा। 2 कप मैंने यहाँ पे लिया है गंदम का आटा। और उसके बाद हम शामिल करेंगे नमक हसबे जायका। नमक शामिल करने के बाद हम पानी शामिल करेंगे और इसको नॉर्मली जैसे आटा गूंदा जाता है गूंद लेंगे। और थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करेंगे। व्यूअर्स, फाइनली आटा रेडी है और अब हम इसके बनाएंगे पेड़े। एक पेड़ा हमने बनाना है सिंपल, छोटे साइज़ के हमने बनाने हैं, जो नॉर्मल पराठे के लिए हम लेते हैं वो बड़े होते हैं। छोटे साइज़ का पेड़ा एक हमने बनाना है सादा, और एक हम बनाएंगे घी लगा के इसको रोल कर लेंगे और उसका पेड़ा बना लेंगे। अब हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे घी को और अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे और रोल कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, एक पेड़ा सादा है और एक पेड़ा जो मैंने लिया है वो घी लगा के मैंने उसका पेड़ा बनाया है। सबसे पहले हम लेंगे सादा पेड़ा और इसकी हम इसको बड़े साइज़ का बेल लेंगे। और अब हम स्टिक के साथ पार्टीशन कर लेंगे और जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम ये पार्टीशन एरियाज में रखते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है। मल्टी टेस्ट पराठा है, कंप्यूटर पराठा, बनाना बहुत ही आसान है। मुल्तान का है जी ये फेमस कंप्यूटर पराठा। हर नवाले में आपको इसका अलग टेस्ट आएगा। और ये जो दूसरा पेड़ा था घी वाला, घी वाले पेड़े को हमने बेल लेना है और इस ऊपर रख देना है। किनारों से अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लेना है, जोड़ देना है ताकि जो इसमें स्टफिंग है वो बाहर ना आए। पैन को करेंगे गरम और थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेंगे और पराठे को तवे पे डाल लेंगे। सिंपली अब हम जैसे पराठा पकाते हैं वैसे ही इसको पका लेना है। क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको पका लेना है। व्यूअर्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है बनाना, मल्टी टेस्ट है, हर नवाले से आपको अलग टेस्ट आएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है पराठे की, कैसे ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो फाइनली ये पराठा, कंप्यूटर पराठा रेडी हो गया है। तो अब हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। हर नवाले से आप ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे ये मिक्स सा अब कट गया है। हर नवाले से आपको अलग टेस्ट आएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक है पराठे की। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कंप्यूटर पराठे की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।